जुगल जो तो राम जी का है, है? राम जी का है। अच्छा राम जी का मतलब कमल फूल का, बीजेपी का। आप लोग किसको वोट करने वाले? हम तो बीजेपी को देंगे जी। आम आदमी पार्टी जो है उसका क्या काम अच्छा नहीं लगा आपको? भविष्य वर्तमान के लिए तो ठीक है, भविष्य के लिए तो अच्छा नहीं बुझाता है। तो अभी क्या कहना है आपका? क्या क्या कहना है वोट को लेकर? वोट तो मैं भी बीजेपी को दूंगा। नाम बताइए। मेरा नाम है शीला। इस बार चुनाव के अंदर किसको वोट करने वाले? हाँ मैं मोदी की देवेंगे हम। क्यों? मोदी पहले मतलब किसी को कोई लोन नहीं मिला था और अब है ना फौजियों को लोन मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके घर में कोई फौजी का? हाँ है, मेरा हस्बैंड है फौजी है। अच्छा, हाँ तो पहले लोन नहीं मिला, अब मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। कितना लोन ले? पूरी सुविधा कर रखी है मोदी ने, कोई प्रकार की कोई किसी चीज की कुछ है नहीं है चिंता। किसको करने वाले हैं? मोदी की देवेंगे हम तो। नाम बता दो। मैं सुदेश जी। बताए जी के बीजेपी आएगी और उसी केस रानी को ही वोट देना, वही अच्छे काम करवाएगी, गलिया वगैरह वही करवाएगी जैसे भी। अगर हम बात करें काम जी, तो इससे पहले जो पार्षद हैं अभी प्रेजेंट, उनका काम कैसा रहा? अभी कुछ नहीं हो रहा, केस रानी ये अच्छा करवा रही काम पहले से जी। हाँ पेंसिल वही बनवाएंगी जी। मुकेश राठौर। मुकेश बताए। वोट हमारा राम का है, और राम का नहीं है वो, काम का नहीं है, आगे भविष्य के लिए। इस दिल्ली की ऐसी कर रखी है दुर्गति, हमारे घर पर नाली नहीं है, पानी भरा हुआ है, दीवार टूटने को हो रही है, गरीब आदमी सब्जी बेच के गुजारा कर रहा हूँ। क्या टिकट फ्री कर दिया, ट्रेन फ्री कर दी, ये जनता परेशान है। एक से एक पैसे वाड़े जाते हैं, हमारे बच्चे कौन से जाते हैं, हमारी घरवाली कहाँ जाती है? अभी आप लोग वोट किसको करने वाले हैं? हम देंगे राम को, जो काम का है, आगे व्यवस्था के लिए। रामफल। रामफल जी बताएं, इस बार किसकी लहर है, किसको वोट करने वाले? इस बार लहर दोनों की है। अच्छा, झाड़ू वाले की भी और कमल की भी। तो कमल थोड़ा जरा ठीक हैगा। अच्छा, आने वाले समय के लिए। अच्छा, झाड़ू वाला भी औरतों के लिए तो अच्छा है, अपना उसने भी अपना भाई किराया विराया फ्री कर रखा है। अच्छा, और काफी कुछ कर रखा है। तो आप लोग किस पे करने वाले हैं? हम तो कमल पे करने वाले हैं। तो इस समय लहर किसकी है? इस समय लहर कमल की है। तो आपको अपने वार्ड का पता है? वार्ड एक। अंग्रेजी नाम बता दीजिए जी। मेहर सिंह। इस बार किसकी लहर है और किसको आना चाहिए? देखो जी, हम तो मोदी के लहर में हैं। अच्छा, और मोदी को देंगे। मोदी को क्यों देंगे, कोई कारण? मोदी के कारण हमें ये अच्छा लग रहा है, देश के बारे में, हर चीज़ के बारे में, हर चीज़ के बारे में। आज के दिन और कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं दिखता अब जो इसके लाए इसकी बराबर का हो। दूसरे नंबर पर योगी सरकार यूपी में, सब मौज भरी है, क्या है कमी ना। तो मैंने एमसीडी है मतलब ना, और किसी से मतलब, हम तो बूढ़े हो रहे हैं, अपनी दो रोटी खाई, भगवान का नाम लिया। एक बार वार्ड और बताइए कि वार्ड कौन सा है? वार्ड एक नंबर माता है। और कॉलोनी कौन सी है? संजय कॉलोनी 10 नंबर गली। अच्छा, यहाँ से जो निगम पार्षद के प्रत्याशी हैं उनमें से कौन अच्छा है, किसको आना चाहिए? देखो जी, हम तो यहाँ इसमें तो देखो जी, ये जब ऊपर बीजेपी सरकार बैठी है तो नीचे भी यही आ जाएगी, तो काम हो जाएगा दिल्ली का। मुझे सुनिए, इस वक्त चुनाव का माहौल है, किसको किसका माहौल है और किसको वोट आप? बीजेपी की लहर चल रही है अब तो। अच्छा, कॉलोनी कौन सी है? संजय कॉलोनी। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? हम तो 3 साल हुए हैं। वोट किसको देने वाले हैं? वोट हमारी यहाँ है नहीं, बाकी मोदी की लहर है, बीजेपी नहीं जाएगी। बताइए, नाम बताइए। रीना। बताइए रीना जी, पर किसकी लहर है, किसको वोट करने वाले हैं? बीजेपी का केस रानी वोट देंगे। अच्छा, तो कोई काम हम गिनवाएंगे क्या किसी का, आम आदमी पार्टी या भाजपा? आम आदमी पार्टी, पेंशन बना हुआ था, पेंशन कट गया। अच्छा, केस रानी बनवाई थी। तो इस बार किसको वोट करने वाले आप? बीजेपी केस रानी। नाम बताइए, नाम बता दीजिए। नाम किरण। किरण जी, किरण जी किसकी लहर है और किसको वोट करने वाले हैं? बीजेपी की लहर है और केसरानी को वोट करने वाले। तो
महिलाओं के लिए तो बहुत सारे बेनिफिट दे रही है दिल्ली सरकार, हाँ। आम आदमी पार्टी, उसके बाद बीजेपी को ही क्यों? क्योंकि हम आगे और हमेशा बीजेपी को ही वोट देते हैं और उसी को देंगे।